हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्चना है और आज मैं दाल को अंकुरित कैसे करते हैं उसका तरीका बताने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया है चना दाल, ये 200 ग्राम करीब साबुत काला चना है, 150 ग्राम करीब साबुत मूंग है। पहले साफ कर लेना है कि इसके अंदर अगर कोई कंकड़ पत्थर हो या छोटा दाना हो तो वो निकाले, उसके बाद दो बार पानी से धो ले, उसके बाद जितना दाल है उसका 4 गुना पानी डाले। गुनगुना पानी भी डाल सकते हैं और नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं। गुनगुना पानी में जल्दी सोख होता है, पानी डाल दिया है। 7 से 8 घंटा मूंग की दाल को लगेगा भीगने में, 12 घंटे लगेंगे चना दाल को भीगने में। ढक्कन लगाकर रख देंगे, बीच में एक बार पानी चेंज करेंगे क्योंकि अगर लगातार वही पानी रहेगा तो इसमें गंध आ जाती है। तो आप देख सकते हैं दोनों भी भीगकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको बांधकर पोटली बनाएंगे जिससे इसमें स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगा, अंकुर निकालना शुरू हो जाएगा। एक कपड़ा चाहिए, वो चाहे मलमल का हो चाहे कोई दूसरा कॉटन का कपड़ा, अच्छा कपड़ा चाहिए। इसमें हम दाल को डालकर बांध देंगे। बचा हुआ जो दाल है उसकी मैं एक रेसिपी तैयार करने वाली हूँ। इस तरह से इसको पोटली में बांधकर 6 से 7 घंटे के लिए इसको हम टांग देंगे और बीच बीच में हमें इसको एक बार भिगोना होगा क्योंकि इसका दाना मोटा है और इसको अंकुरित होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरा पोटली तैयार करते हैं, इसमें 4 से 6 घंटे में अंकुर आ जाएगा। तो इतना सा दाल को मैं बांध देती हूँ और जो इसमें बचा है इसको मैं थोड़ा दाल में इस्तेमाल कर लूंगी और थोड़ी सी सैलेड तैयार कर लूंगी। अंकुरित दाल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसकी सैलेड भी बहुत अच्छी होती है, हेल्दी होती है और जिसमें भी आप इस्तेमाल करें बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो इसको भी इसी तरह से टांग कर 4 से 6 घंटे के लिए रख देंगे। मैंने इसको 6-7 घंटे के लिए कपड़ा में बांध कर डाल दिया था। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने बड़े बड़े अंकुर निकल आया है। तो इस तरह से आप काले चने को अंकुरित करें और दाल सब्जी सैलेड में प्रयोग करें। इसी तरह से मेरे सारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।